दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी पर। 23 नवंबर देव उठनी एकादशी, तुलसी के इस टोटके से बिन पूजा पाठ के ही बदल जाएगी आपकी किस्मत। दोस्तों जैसा कि आप हमारे वीडियो के टाइटल में देख ही चुके हैं, तुलसी के इस टोटके से 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको देव उठनी एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसे देव उत्थान एकादशी और प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं और ये 2023 में इस वर्ष 23 नवंबर को दिन गुरुवार को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन भगवान श्री हर विष्णु जी की हम पूजा पाठ अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता की एकादशी की तिथि को सच्चे श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से, उपासना करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सनातन धर्म में निहित है कि देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं, अर्थात योग निद्रा से जागते हैं और इससे पूर्व 4 महीने अर्थात चतुर्मास के दिन में भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में सोते हैं। और ये भी कहा जाता कि इस दौरान जैसे कि भगवान विष्णु जी देव शनि एकादशी के दिन सोते हैं तो 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। 4 महीने तक जो सृष्टि के कारभार होते हैं भगवान शंकर जी भोलेनाथ संभालने का काम करते हैं, लेकिन देव उठनी एकादशी के बाद सभी मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी एकादशी के बाद सभी भगवान विष्णु जी योग निद्रा से इसी दिन उठ जाते हैं। देव उठनी एकादशी जैसे कि शादी है, सगाई है, विवाह है, मुंडन है, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं ये सब शुभारंभ हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं देव उठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि देव उठनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति से आध्यात्मिक उन्नत के साथ साथ हमारे मोक्ष की भी प्राप्ति हो। मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष ही चाहिए। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया में कौन सी ऐसी चीज चढ़ाने से 24 घंटे के भीतर ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं देव उठनी एकादशी की तिथि। इससे पहले आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आप माता तुलसी की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता तुलसी, तुलसी माता आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी करें। माँ तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों देव उठनी एकादशी की तिथि इस बार 23 नवंबर गुरुवार को है और इसकी जो शुरुआत होगी वो 22 नवंबर बुधवार की रात्रि 11:02 से शुरू होगी और यह अगले दिन 23 नवंबर को रात्रि 9:02 तक रहेगी। सूर्य उदय व्यापनी 23 नवंबर को ही मान्य होगी। 23 नवंबर को ही आप पूजा पाठ व्रत रखें। दोस्तों इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु जी की कृपा मिलती है। इस दिन अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको कई हजार गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि ध्यान से सुनिएगा। तो दसवीं तिथि के दिन से ही आपको लहसुन प्याज समेत जितने भी तामसिक भोजन होते हैं सबका त्याग कर देना चाहिए। अगले दिन यानी कि एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए, नित्य कर्म से निवृत्त होकर यानी कि गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गंगा के तट के पास नहीं रहते, नहीं जा सकते, निवास नहीं करते, तो गंगा में आप पानी डालकर, नहाने वाली पानी में डालकर, चूंकि गंगा नदी बहुत ही पवित्र नदी है, इसकी हर एक बूंद पवित्र है, गंगा मैया के कुछ बूंदे डालकर नहाने के पानी में डालकर आप स्नान कर सकते हैं, फिर व्रत का संकल्प कर सकते हैं, फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें, भगवान श्री हर विष्णु जी की पूजा से आपको यानी कि पूजा में आपको फल पुष्प दूब कपूर बाती पीले मिष्ठान आदि से भगवान विष्णु जी की आरती करना है और घी का दीपक जलाना है और अंत में आरती जरूर करना है। अब उपवास भी रखना है। संध्या काल में फिर से आरती अर्चना करने के पश्चात आपको फलाहार करना है। दिन में एक बार फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। 23 नवंबर को पूजा पाठ
यानी कि करने के बाद अगले दिन आपको इसका पारण करना है, यानी 24 नवंबर को आपको पारण करना है। ब्राह्मणों को दान अवश्य दें। दोस्तों आइए अब इस वीडियो में जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन कौन से ऐसे उपाय हैं हमें करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति, हमारे बंद किस्मत के ताले खुल जाएं। कहने का मतलब है कि आप में से अधिकतर लोग ऐसे लोग हैं, बोलते हैं कि गुरुजी वो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी सफल व्यक्ति नहीं बन पा रहे हैं, अर्थात पैसे तो आते हैं लेकिन चले जाते हैं, अर्थात हमारे लक्ष्मी स्थिर नहीं हो पा रही है। अधिकतर यह सभी के साथ होता है। लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाए, उपासना की जाए, वहाँ पर माता लक्ष्मी स्वतः ही वहाँ लक्ष्मी खींच चली आती है। जहाँ धर्म है वहाँ सब कुछ है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने घर की लक्ष्मी स्थायी कर सकते हैं, अर्थात हम दौलत को अस्थायी बना सकते हैं। दोस्तों इस दिन देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है, इसलिए तुलसी का टोटका जरूर करें। तुलसी का उपाय करने से आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी, 24 घंटे के अंदर आप धनवान बन जाओगे। दोस्तों किस तरह से, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो देव उठनी एकादशी के दिन आप एक लोटा जल ले लें, उसमें थोड़ा सा आप हल्दी डाल लें, हल्दी डालकर थोड़ी सी इसमें मिश्री डाल दें और इस एक लोटे जल को ले जाकर तुलसी पर चढ़ा दें। तुलसी जी को चढ़ाने के बाद तुलसी जी की परिक्रमा करें और उनके पास एक घी का दीपक शाम के समय जरूर जलाएं। इससे भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और तुलसी मैया प्रसन्न होती हैं, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से और इनके उपाय करने से आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी में एक लाल चुनरी अवश्य चढ़ा दें। लाल चुनरी चढ़ाने से तुलसी मैया प्रसन्न होती हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी जी का स्वरूप ही तुलसी स्वरूप कहा गया है, क्योंकि तुलसी में माता लक्ष्मी का निवास वास माना जाता है। तो एक लाल चुनरी न्यू, बिल्कुल नई चुनरी लेकर आएं और इसे आप देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी पर चढ़ा दें। अपनी मनोकामना बोलते हुए बहुत लाभ होता है। अगर कोई विशेष मनोकामना हो आपके घर में, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, धन नहीं आ रहा है, रुपए पैसे नहीं टिक रहे हैं, तो आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और तुलसी के नीचे जाकर बांध दें, यानी तुलसी में ले जाकर बांध दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। 24 घंटे में ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों इस दिन अगला उपाय, इस दिन देव उठनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु जी को शालिग्राम के साथ विवाह जरूर कराएं और भोग स्वरूप तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तुलसी दल अर्पित करने से आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। एक अगला टोटका करें, उपाय करें। अगर आप चाहते हैं अपार धन संपत्ति के मालिक बनना चाहते हैं, रातों रात करोड़पति मालामाल धनवान बनना चाहते हैं, तो एक छोटा सा गुप्त टोटका तुलसी का जरूर करें। देव उठनी एकादशी के दिन क्या करें, तुलसी के पत्ता ले लें, तुलसी के यानी दो पत्ता ले लें। दोनों पत्ता में आप लिख दें श्रीम, हल्दी से श्रीम लिखकर एक माता तुलसी के पास रख दें और एक आप रख दें भगवान विष्णु जी के पास। फिर तुलसी में जो आपने इस पत्ते को रखा है, इसको उठाकर माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दें। पहले भगवान विष्णु जी के पास रख दें, फिर माता लक्ष्मी जी के पास रख दें। जो आपने तुलसी के पास रखा उसे उठाकर माँ लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दें। इसे पूरे रात यूं ही रहने दें देव उठनी एकादशी के दिन। अगले दिन पारण करने से पहले इन तुलसी के जो पत्ते जिसमें आपने श्रीम लिखा है, इसे ले जाकर अपने धन के स्थान पर रख दें, धन पेटी पर रख दें, अलमारी पर रख दें। दोस्तों यकीन मानिए आपका जो घर है पैसों से भर जाएगा, यहाँ तक कि पैसे इतने आएंगे कि आप सोच में पड़ जाएंगे, पैसे के जो स्रोत है वो बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। नौकरी करते हैं तो नौकरी के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, गुप्त रूप से भी आपके पास आ जाएंगे पैसे। तो ये टोटका जरूर करें, बहुत ही पावरफुल टोटका है ये। अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्स कभी खाली ना हो, तो देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के दो पत्ते आप अपने पर्स में रख ले, आपका पर्स हमेशा रुपए पैसों से भरा रहेगा, कभी भी खाली नहीं होगा, कभी भी पैसों की तंगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों इस दिन देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के एक चमत्कारिक टोटके और करें। इस दिन भगवान विष्णु जी को आप तुलसी के पत्ते अर्पित कर दें और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें, और बाद में इस तुलसी के पत्ते को आप एक लाल कपड़े में बांधकर, यानी लाल कपड़े में आप बांधकर, जैसे आप पोटली बनाते हैं उसी तरह से बांध लें, और इस लाल कपड़े में आप 5 हल्दी की गांठ भी रख दें और फिर आप इसे ले जाकर अपने धन के स्थान पर रख दें। यकीन मानिए आपके घर में सदैव धन की बरकत होगी, धन के स्रोत बने रहेंगे।
तुलसी के ये टोटका जरूर करें, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही सफल जीवन जीने के लिए अच्छा ये टोटका है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी।